दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि अब मौसम बदल रहा है, थोड़ा आलस आने लगा है, सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ नहीं पाते और अपने काम को पूरी प्रायोरिटी नहीं दे पाते। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक देखना क्योंकि इस वीडियो के पूरा देखने के बाद आप खुद में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट खुद से अनुभव करोगे। दोस्त नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। हम मानते हैं कि नींद जरूरी होती है, नींद एक्चुअली में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका दिमाग जब दिन भर काम करता है तो एक मशीन की तरह उसे भी रेस्ट की आवश्यकता होती है, तो एक प्रॉपर नींद की रिक्वायरमेंट होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हद से ज़्यादा सोएं। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद भी लेते हैं तो आप पूरी तरह से नेक्स्ट 14 से 16 घंटे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आप 6 घंटे की नींद से भी पूर्णतः ऊर्जावान रह सकते हैं और आप चाहें तो काम के बीच में भी छोटे छोटे नैप ले सकते हैं, लेकिन भूल से भी 12-12, 14-14 घंटे अपने शरीर को नींद की आदत नहीं डालनी है क्योंकि कठिन परिश्रम का ना कोई विकल्प नहीं है। हार्डवर्क तो आपको करना ही होगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या फिर कोई भी हार्ड सिचुएशन घर में क्यों ना हो, आपको अपने हार्ड वर्क पर ध्यान देना ही होगा, उसका कोई विकल्प नहीं होता। बड़े बड़े योद्धाओं का नाम जो हम इतिहास में सुनते हैं, आपने देखा ही होगा, सब कुछ छिन जाने के बाद अपने राज्य को वो दोबारा हासिल करते हैं, फिर से कठिन परिश्रम करते हैं, छोटे से छोटे स्टेप्स को फिर से बुनते हैं और तब जाके न केवल अपने बड़े राज्य को हासिल करते हैं बल्कि उसके विस्तार में भी और कार्य कर पाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, जो मैं आज हूँ अगर वो छिन भी जाता है तो भी मैं उसे दोबारा बना सकता हूँ। अगर ये कला आप सीख चुके हैं तो आप किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हार नहीं सकते। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना तो हम उनकी सिचुएशंस को जानते हैं, ना हम उनके आचरण के बारे में जानते हैं, ना बिहेवियर के बारे में जानते हैं, और जिस दौर से वो गुजर रहे हैं हमें वो पता नहीं होता, बस राय देने लगते हैं और कभी कभी बहुत भला बुरा भी कह देते हैं। लेकिन जब असलियत सामने आती है, सच्चाई का पता लगता है, तो हमें वो बातें जो हमने कही थी उनके कारण बहुत बुरा लगता है। क्योंकि दोस्त आपको याद होगा, जो शब्द, जो बातें एक बार मुंह से निकल जाती हैं, वो शब्द और वो बातें वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसे थोड़ा सोच समझकर बोलें ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, और कोई एडवाइस भी देनी है तो थोड़ी सी कड़वाहट के साथ दे सकते हैं। दयालु बनो, कमजोर नहीं, यानी बनो अहंकारी नहीं। दोस्त हमेशा ऐसा होता है, जहां पे आपको गुस्सा करना है वहां आपको गुस्सा जायज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे देश का अपमान करता है तो आपका गुस्सा करना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा करें, क्योंकि गुस्सा एक एनर्जी है। अगर आप उस एनर्जी को खर्च करते हैं, खराब करते हैं, बेकार करते हैं और ऐसे ही फिजूल में वेस्ट करते हैं, अपने शरीर के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को खो देते हैं। अपने आप को दयालु तो रखना है, लेकिन हेल्प भी उतनी ही करना जिससे खुद का नुकसान ना हो। ज्ञान अगर आप अर्जित कर लेते हैं, कल को आप आगे चल के IAS बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनते हैं, देश के बड़े अधिकारी बनते हैं, नेता, अभिनेता बनते हैं, तो उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी हमेशा ये याद रखना कि आप ज्ञानी हैं अगर, तो अहंकार आपसे दूर ही रहे। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोशिश अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजूल में बस अटेम्प्ट दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी 110% रखनी है, तभी आपकी वो कोशिश एक कोशिश काउंट होगी, वरना वो कोई प्रयास भी नहीं है। तो कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव सिर्फ तब नहीं होगा जब उनकी हर कोशिश पिछली वाली से और बेहतर होगी। इसी तरह जहां तक तुम देख सकते हो ना, जब तक आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे का देख पाएंगे। किसी को भी 100% ये नहीं पता होता कि भविष्य में मैं क्या बनूंगा। जहां तक का रास्ता दिखता रहे उतना आप देखते नहीं। आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ये तो आगे नियति तय करती है, लेकिन जिन स्टेप्स के बारे में आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको धीरे धीरे कवर करना शुरू करो। आपको जिस एज में जितना पता लगता है आप उतने ही एक्शन करने भी शुरू करो। आपको पूर्ण ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं होती है, और कभी भी किसी को उस उम्र में जिसमें आप अभी हैं
वहाँ पे संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, या कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो जहां तक आपको अभी दिख रहा है बस वहां पहुंचो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। देखो, जब आपका टारगेट बड़ा है, जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो जो हर कोई नहीं कर पाता, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी मतलब उसको पाने की संभावनाएं हैं वो पहले से ही कम है, और ये आपको भलीभांति ज्ञान है, इस बात के बारे में आप जानकारी भी रखते हैं, तो आपको उस बड़ी मंजिल को पाने में अगर थोड़ी थोड़ी असफलता मिलती है, थोड़े सेटबैक मिलते हैं, कोई जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें फेल होते हैं, तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, आपको खुद को फिर से बनाना है, फिर से दोबारा तैयार करना है और उस मंजिल को पाने के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि चाहे कोई और जानता हो या ना जानता हो, आप जानते हैं कि वो मंजिल बड़ी है, उसको पाने में समय भी लगेगा और संयम भी लगेगा। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है, हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हमारे सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो कई स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलत सोच रखते हैं। कई स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि अब यहाँ से तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कई सारे एजुकेटर्स को देखा होगा जो पढ़ा रहे हैं आज, उन सबका क्वालिफिकेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन आज उन्होंने सैकड़ों IAS IPS प्रदान करे हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर्स को पैदा किया है। तो अगर आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब जीवन खत्म होना नहीं होता, हो सकता है आप किसी और बड़े कार्य के लिए बने हो। तो बस खुद पर वहां पे विश्वास करना है, हिम्मत रखनी है और एक नई शुरुआत की तलाश करनी है। और ये बात तो याद ही रखनी है कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर समय जरूर बदलता है। हो सकता है आज जो ज्ञान आपने हासिल किया उसके मुताबिक आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आज जो ज्ञान आपने हासिल किया है, अगर आप उसको एक्शंस लेते हैं, आप उसके बारे में अच्छे से और रिसर्च करते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर्स जो आने वाले हैं वहाँ पे आपको उस ज्ञान के बलबूते पे, आपके एक्शंस के बलबूते पे एक बहुत बड़ी सफलता मिले। कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, कई सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपने समय से काफ़ी आगे होते हैं, जो अपने समय में ऐसे लगते हैं कि ये क्या फिजूल की सोच है, ये तो मजाक है, लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद वही फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है और वही एक नई सोच होती है। तो हो सकता है जो ज्ञान आज आपको लग रहा है कि आपको सफलता नहीं दिला पा रहा, तो आगे चल के वही ज्ञान एक नई सोच हो, नया बीज हो, नया मार्गदर्शन हो। तो हमेशा जीतने का जज्बा रखना ही रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप बिलीव करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं, तो दोनों के लिए ये बात समझने वाली है कि अगर आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, खूब सारी तैयारी करते हैं, तो वो लक्ष्य भी अगर आप डिजर्विंग है और आपको वो मिलना ही चाहिए, तो वो भी आपकी तरफ एक कदम और बढ़ाता है। अगर आप 10 कदम चलते हैं तो वो एक कदम आपकी तरफ आता ही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वक्त गुजर जाएगा और जो हो रहा है, जो होने वाला है वो अच्छा होगा, तो आपको जो लक्ष्य जिसके लिए तैयारी करते हैं, जैसा मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि किसी को पूर्णता नहीं पता होता कि वो जीवन में क्या बनेगा और क्या नहीं, तो अगर आप उस लक्ष्य से चूक रहे हैं बारंबार, तो हो सकता है आपके लिए वो लक्ष्य नहीं बना। तो आपको अपनी मेहनत को दूसरी डायरेक्शन देनी होगी, आपको अपनी मेहनत को थोड़ा सा नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे, आपको अपनी मेहनत में थोड़ी सी अलग कल्पना शक्ति का प्रयोग करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। तो याद रखना, जो लक्ष्य आपने चुना है अगर वो ही आपका डेस्टिनेशन है फाइनल, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उससे अलग कोई प्लानिंग है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। आशा करता हूं ये सारी बात आप समझे होंगे और अब से आप अपने आलस से दूर रहेंगे और कुछ नया करने में झिझकेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।